हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर लेक्चर और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे द थर्ड पोम ऑफ योर बुक जिसका नाम है द शेड नाउ ये पोम लिखी है हमारे पोएट जिनका नाम है फ्रैंक फ्लिन ने और इस पोम में वो हमें अपने ही कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में बता रहे हैं नाउ इस पोम को पढ़ने के बाद एक्चुअली ये क्लियर नहीं था कि इसके स्पीकर कौन है एंड दैट इज वाई वी आर अज्यूमिंग कि ये पोएट ही हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं सो so, ये पोम किसके बारे में है एक शेड के बारे में शेड क्या होता है नाउ शेड इज़ अ स्मॉल रूम एक ऐसा कमरा जो आपके घर से थोड़ा अलग सिचुएटेड होता है थोड़ा बाहर होता है और कई सारे अलग अलग पर्पसेस के लिए इस कमरे का इस्तेमाल किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग अपने टूल्स को अपने औज़ारों को रखने के लिए रख करते हैं इस कमरे का इस्तेमाल अगर कोई पेंटर होगा फ़ॉर एग्जाम्पल और उसको एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ वो शांति से पीसफुली पेंटिंग कर सके तो वो इंसान शेड का इस्तेमाल कर सकता है अगर कोई म्यूजिशियन है वॉन्ट्स अ पीसफुल प्लेस अगैन जिसे बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा शांत जगह चाहिए म्यूज़िक बनाने के लिए वो लोग ऐसे से शेड्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग अपने पेट एनिमल्स या डोमेस्टिक एनिमल्स को बांधने के लिए जैसे काउज या बफिलोज उनको बांधने के लिए शेड का इस्तेमाल करते हैं एंड अलॉट अदर रीजंस सो इस पोम में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे जो पोएट हैं उनके घर के पास था एक शेड उस शेड को देखकर हमारे पोएट के मन में बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स आती थी उनका मन भी करता था कि वो शेड के अंदर जाकर देखें कि एक्चुअली उसमें है क्या बट वो बहुत घबराते भी थे वो बहुत डरते थे उस शेड से यू नो शेड से और शेड के अंदर होने वाली कुछ एक्टिविटीज से तो ही वॉज़ वेरी हेजिटेंट वो बहुत हिचक थी उनके मन में उस शेड को लेकर और इसी हेजिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस पोम जिसका नाम है द शेड So, do you know what a shed is? A cow shed, a tool shed, a wood shed, for example. It is a small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. So, like I told you, अलग अलग तरीके के शेड्स होते हैं काओ शेड होता है जहाँ लोग अपनी काउस को रखते हैं टूल शेड होता है जहाँ लोग अपने औज़ारों को रखते हैं वुड शेड होता है जहाँ लोग लकड़ी रखते हैं इट इज अ स्मॉल रूम एक छोटा सा कमरा है जो कि मेन हाउस से थोड़ा सा अलग है यानि घर से अलग है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाउस फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल्स टूल्स व्हीकल्स एट्सेट्रा और ये जो जगह है ये लोग यूजुअली यूज करते हैं अपने सामान को स्टोर करने के लिए सामान को उसमें रखने के लिए एनिमल्स को रखने के लिए अपने टूल्स अपने व्हीकल्स को रखने के लिए आज योर पार्टनर इफ ही और शी हैज एवर सीन अ शेड लेट हर और हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास द पोएट फर्दर सेज कि अपने पार्टनर से पूछिए कि क्या कभी उन्होंने कोई शेड देखा है अगर हां तो वो उसे बाकी के बच्चों के सामने डिस्क्राइब करें नाउ लेट अस रीड द पोम देयर इज अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर द हिंजेज आर रस्टी एंड क्रीक इन द दिन वेद आई एम एन बेड आई लाई एनालिस

नाउ स्पाइडर्स वेब हम सबको पता है मकड़ी के जाले और सबसे ज़्यादा मकड़ी के जाले कहाँ पर लगते हैं एक ऐसी जगह पर जो बहुत पुरानी हो या फिर जहाँ पर कोई रहता ना हो और जिस जगह को बहुत रेगुलरली क्लीन ना किया जाता हो सो so, शेड जो था वो गार्डन के कॉर्नर में था और दरवाजे के बाहर बहुत बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे द हिंज आर रस्टी हिंज क्या होती हैं दरवाजे के जो कॉर्नर्स होते हैं आप सबने देखा होगा दरवाज़ा जब होता है या ना कोई भी दरवाज़ा होगा तो जो उसके जॉइंट्स होते हैं जिसकी मदद से उसे बाकी की दीवार के साथ जॉइन किया जाता है तो बीच में जो जॉइंट होते हैं उनको हिंजस बोला जाता है सो so, जो डोर जॉइंट्स होते हैं उन्हें हिंजेस बोला जाता है सो so, उस शेड के जो दरवाजे हैं उसके जॉइंट्स बहुत ज्यादा रस्टी हो गए हैं रस्टी मतलब उनपे जंग लग गया है क्योंकि वो बहुत पुराने हैं उनपे जंग लग गया है एंड दे क्रीक इन द विंड। क्रीक वी नो द साउंड हमारे दरवाजों में से भी कभी कभी या अलमीरा के डोर्स में से भी एट टाइम्स ये आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और फिर हमारी ममा जो हैं वो उसमें ऑयल लगाती हैं ताकि वो आवाज आना बंद हो जाए सो so, जो शेड का दरवाज़ा था उसके हिंजे यानी उसके जॉइंट्स बहुत ज्यादा पुराने हो चुके थे उन पर जंग लग चुका था और जब भी बहुत तेज़ हवा चलती थी तो उन दरवाज़ों में से क्रीकिंग साउंड आती थी यानी उन दरवाज़ों की आवाज़ सुनाई देती थी विनायम इन बेड आई lie and आई listen. ही says कि जब मैं बेड पर लेटता हूँ तो मुझे वो आवाज़ें बहुत अच्छे से सुनाई देती हैं

Bright duty courses are available for the subjects of math, science, social science, english and hindi in english and hindi medium. Bright duty follows three step approach that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic wise online MCQ test, practice assignments, and chapter wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices.